कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। उनकी फिल्म थलाइवी की रिलीज को लेकर कंगना ने सरकार को सुनाई खरी खोटी, मारा ताना। रिलीज विवाद पर भड़के कंगना के फैंस, सोशल मीडिया पर यूजर्स मल्टीप्लेक्स ओनर्स की लगा रहे हैं क्लास। क्या सरकार कंगना को देगी जवाब? वेल, 10 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र में इस समय सिनेमा हॉल्स बंद होने की वजह से उनकी फिल्म का लुत्फ यहाँ के लोग नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में 6 सितंबर को कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से थिएटर और सिनेमा हॉल खोले जाने की अपील की। कंगना लगातार अपनी फिल्म को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही है। फिल्म की रिलीज को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर भी वो अपनी आवाज उठा रही है। अब एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए लिखा, महाराष्ट्र में होटल्स, ऑफिसेस, लोकल ट्रेन्स सब खुल गए हैं, लेकिन कोविड की वजह से मूवी थिएटर्स अब भी बंद है। अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कोविड सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मूवी थिएटर्स में ही फैलता है। इसके साथ उन्होंने तालियां बजाने वाली इमोजी का इस्तेमाल किया है। साफ है कि कंगना बहुत नाराज है। वेल, कंगना ही नहीं, उनके फैंस भी काफी निराश है। रिलीज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसे लेकर कंगना के फैंस ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू किया। 6 सितंबर को कंगना के फैंस ने ट्विटर पर PVR रिलीज थलाइवी इन हिंदी ट्रेंड चलाया। लोगों ने कहा कि कंगना को नीचा दिखाने के लिए सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। देखिए लोगों के ट्वीट्स। वेल, ये तो थे फैंस के रिएक्शंस। फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर कंगना ने 4 सितंबर को एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। देखिए ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैंने इन वीडियोस के थ्रू आपके साथ कई मैटर्स पे बात की है और आज मैं बात करना चाहती हूँ फिल्म्स को लेके। महामारी में बहुत सारे बिजनेसेस बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हुए हैं, जिनमें से सिनेमा का जो बिजनेस है, थिएटर बिजनेस, बहुत बुरी तरह से ठप हुआ है। लेकिन वहीं कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। हमारी फिल्म थलाइवी, जो आज तक फिल्म हिस्ट्री में एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म, सबसे बड़े बजट की फिल्म है, जो 90 करोड़ की लागत से बनाई गई है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं श्री विष्णु इंदुरी जी, शैलेश सिंह जी, उन्होंने ये एक डिसाइसिव डिसीजन लिया कि जिन थिएटर्स ने, वी आर थिएटर मेड पीपल, जिन थिएटर्स ने हमें बनाया है, जो लाखों का घर बार चलाते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है। उन्होंने बहुत सारे डिजिटल एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के ऑफर्स जो है वो भी ठुकराए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमें थिएटर्स का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा इस चीज पे। तो हिंदी में जो है हमारी फिल्म की लागत वसूल करने के लिए, जो कि हमने की है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं भी कंटेंट मेकर्स के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। लेकिन 2 वीक्स का विंडो मिला है हमें, जो कि थिएटर्स एक्सेप्ट नहीं करता है।
थिएटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिनिमम 4 वीक्स का विंडो होना चाहिए। हिंदी में तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास कोई तो बहाना है, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमारी फिल्म 3 लैंग्वेजेस में बनी है, हमने 4 वीक्स का विंडो रखा है, लेकिन वहां भी हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्सेस रिलीज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े स्टूडियोज के नाम ले रहे हैं, यशराज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। मैं उनसे एक ये बात पूछना चाहती हूँ कि आज वो कुछ एक दो स्टूडियोज के बहकावे में आके इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को खत्म कर रहे हैं, कल को अगर वही थिएटर्स में लोगों का नहीं आने से शोज कैंसिल करते हैं तो क्या फिर भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई होंगे? क्या ये जो स्टूडियोज हैं उनको बॉयकॉट नहीं करेंगे? तो आई थिंक गैंगिज्म और ग्रुपिज्म से निकल के जो थिएटर मल्टीप्लेक्सेस के ओनर्स हैं उनको मल्टीप्लेक्सेस में लोगों को लाने की बात सोचनी चाहिए। और आई थिंक मुझे आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, अगर मल्टीप्लेक्सेस नहीं रिलीज करते हैं प्लीज वॉच इट इन सिंगल स्क्रीन्स एंड ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू। वेल, कंगना ने अपनी राय रख दी, उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या सरकार कंगना के तानों का जवाब देगी या सुनकर इग्नोर कर देंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस हैं, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।